Sir, we have got sanctions for 23 kilometers as on date, out of 77 kilometers. The 23 kilometer road will be blacked off by November, sir. Balance DPS has already submitted last year to UT. We are awaiting sanctions from and. Joint survey, OC Mr. Jha and OIC and JE and Dr. Kawa and a few more. तो दैट टाइम कुत्ता में हमें काफी ऐसी चीजें मिले, काफी पीटो क्लिप्स मिले, काफी पत्थर मिले जिसके जिसके बारे में काफी ग्राउंड व्राउंड नहीं रखा, यही है जो ग्रीन वाला है। हाँ, ये ग्राउंड का सर ग्राउंड है। मैंने कहा चाहे बस ठीक है, ठीक है। कौन है सर? क्या कौन है सर? क्या बताता बता। लेकिन वो अभी जो MHRD है वहीं के पास का वो ठीक है। या शुगर अंदर क्विक क्विक जब तक बोल दिया सर। कौन सा सर? कम्युनिटी हॉल सर, कम्युनिटी हॉल सर। खालसे में जो पाइप लाइन पाइप करना है ये सर, क्यों ड्रामा कर रहे हैं सर? कुछ टेंडरिंग प्रोसेस और आपका टेंडरिंग प्रोसेस करने का जो उसने जो वो गाइडलाइंस है ना सर, क्या करके रखा है वैसा हमें ऐसा लगता है जो लद्दाखियों को नहीं समझा, जो समझ ना आए उस तरीके का एक कुछ वो बना के रखा है। नहीं सर, सर जो आप लोग ऐसा छोटा काम नहीं करना चाहते थे तो सिर्फ ठीक है, सामने क्यों उदाहरण करने के लिए छोटा हम छोटा काम नहीं कर सकते आप इनएफिशिएंट इनएफिशिएंट क्षमा का मुझे लगा है। आपसे तो आप बोलते हैं सेंट्रल एजेंसी, आपसे तो हजार गुना बेहतर हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई काम छोड़ा आज का टीपी बिल्डिंग रोड जो भी बनाया हो। जो जो डायरेक्टर साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब बोलता मैंने चार पांच लाभ दस दफा मैंने यूटी सेक्टर को ये क्या बोलता है जो ये लेटर लिखा बोलता है सेक्टर को सेक्ची को अगर ये बिल्कुल नहीं करता है तो हमें दे दो हम करेगा करके वो भी करने नहीं दे रहे। ये सब इसमें कुछ भी ऐसा ये ऑनरेबल एलजी सर के पास जाके कई शब्दों में इनका ये इंक्वायरी करना चाहिए, उन्होंने क्यों डिले किया, क्या किया आपने जेजेएम के काम में भी जो है हमें बहुत बड़ा काम किया था ना। आपके डीपीआर में पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा के रखा है, आपने हर जगह पे हम लोगों को तंग किया है। और जितने भी जो यहाँ पे जो अभी ऑनरेबल काउंसलर साहब ने जो जो इश्यूज रेज किया है वो जेन्यून है। और मैं तो यही चाहूंगा कि हाउस का डिसीजन है, हम एलजी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में वेबकोस को कोई काम ना दिए जाए। उसी तरह से जो है हम रिकमेंड करेंगे एलजी साहब के पास। और अगर वेबकोस दोबारा इस तरह से कोई काम करने के लिए डीपीआर वीपीआर बना के लिए अगर अपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है तो उसको मना कर देना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। वो भी जो है आपका जो है हर एक काउंसलर का इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सारा काम जो है पूरा रिकमेंडेशन है कि ये सारा शिफ्ट हो जाए। जैसे NACIDSL ने भी जो है गिव अप करके जो है सारे काम जो है फाइनली जो है हमारे वीडियो ब्यूटी को हैंड ओवर किया है। तो आप भी जो है अपने प्रेस्टीज को थोड़ा सा जितना बचा है उतना बचा के रखें, चुपचाप आप सरेंडर कर देना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि हमारे से काम नहीं होता है। ठीक है सर, आई वुड लाइक टू सबमिट सर इसमें आप नो सबमिशन। ठीक है, ये हो गया हाउस का रेजोल्यूशन है, आपके फर्दर सबमिशन को यहाँ पर अभी सुनना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जब 19 में लॉन्च हुआ तो हमारे एक दो साल जो वेब कॉस ने उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया क्राइम की स्थिति, क्योंकि उनको हमने दिया था कि लद्दाख स्पेसिफिक आप पीपीआर बनाओ, यहाँ के चैलेंजेस अलग है, विंटर में ब्रीदिंग का इश्यू होता है, यहाँ की टोपोग्राफी अलग है और यहाँ पे कौन सा स्कीम चल पाए उस हिसाब से हमें सजेशन देंगे। लेकिन सर GCM मीटिंग दो दिन से चल रहा है यहाँ DC कॉन्फ्रेंस हॉल में, काफ़ी डिपार्टमेंट को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं वह वर्क प्रोसेस कैसा है। तो जहाँ वर्क प्रोसेस कम देखा गया आपका इमीडिएट, वहाँ पे हमने एक्शन भी देखा है। और जिस तरह से बहुत कुछ हो रहा है इस टाइम लद्दाख में, उसका आपने हर एक डिपार्टमेंट को, अभी और डिपार्टमेंट बचे हैं तो आपने क्या देखा कि कितना प्रोग्रेस है? सबसे पहले तो मैं आप के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा दो दिन का जो है एनुअल जनरल काउंसिल
का मीटिंग जो है प्लान फॉर्मूलेशन के ऊपर हमने रखा गया है, जिसमें जो है काफ़ी डिटेल हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा किया है, अगर खर्चा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, और काम आगे अभी कितना पेंडिंग है, उसका सारे का एक डिटेल हमने रिव्यू लिया है। और उसके बाद जो है आने वाले जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर में जो है अभी जो काम होगा उसके बारे में भी जो है हमने विस्तार से जो है प्लान को फॉर्मुलेट किया है, जिसमें लोगों के एस्पिरेशंस और लोगों के डिमांड को जो है हमने प्रायोरिटी में रखा है, और जो जेन्यून और जो बुनियादी जो सहूलियत के चीज़ें हैं उसको हमने प्रायोरिटी दिया है। एजुकेशन सेक्टर को हमने बहुत बड़ा प्रायोरिटी दिया है। इस बार जो है एजुकेशन सेक्टर में तकरीबन जो है हमने जो है हेल्थ और एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी दिया है। तकरीबन पिछले साल से जो है हमने 80-90% जो है उनको जो है बजट में एलोकेशन हमने इन्हेंस करके दिया है। तो हमारे लिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारे हमारे लिए प्रायोरिटी है। और भी जो है प्रायोरिटी जो सेक्टर से उन सब में भी जो है हमने जो है स्पेशल फोकस करके जो है उन सबको हमने कंसीडर किया है इस प्लान फॉर्मूलेशन में। और इस बार जो है हमने तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर जो है हमारा कैपिटल जो है एक्सपेंड कैपिटल जो बजट है जो है हमारा वो हमारा तकरीबन 300 करोड़ के ऊपर है। 25 करोड़ के का हमारे पास सब्सिडी कंपोनेंट में पैसा है। तो ये जो 300 करोड़ जो है जो हमें पिछले बजट में जो है हमारा एलोकेशन 232 था, आप वो बढ़ के जो है इस बार 300 करोड़ हुआ है जी। तो 300 करोड़ के ऊपर हमने प्लान फॉर्मूलेशन किया है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो बजट को जो है यूजुअली जो है 10% जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ करके दिया, और हमारे काउंसिल के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को देख के जो है यूटी प्रशासन और भारत सरकार ने जो है हमारे काउंसिल के बजट को इन्हेंस किया है। तो मैं इसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय एलजी साहब, उन सभी का जो है धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे एमपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर है जो होम का है, तो वहाँ पर भी जो है बजट वगैरह डिस्कस होता है, तो उसमें उनका भी जो है कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है लद्दाख के लिए। तो कहना ये चाहते हैं कि हमें बजट एलोकेशन बहुत अच्छा मिला है, प्लान भी हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, और पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में भी एग्जीक्यूशन उसी हिसाब से हुआ है। आज जो है इस जो दो दिन का जो है एनुअल बजट के जो प्लानिंग के जो मीटिंग में जो है हमारे जितने भी काउंसलर्स के तरफ से जो स्कीम्स आए हैं, जो डिमांड्स लोगों के तरफ से डायरेक्टली भी आए हैं या काउंसलर्स के माध्यम से भी आए हैं, हम सब ने जो है उन सबको अच्छी तरह से थोरो डिस्कशन करके, हमारे इससे पहले भी जो है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिस्कस करके, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ डिस्कस करके जो है हमने ये प्लानिंग बुक को बनाया है। और हमने इस बार देखिए नए यूटी में, और हम लोगों का हमारा एक प्रयास ये रहा है, क्योंकि नए यूटी एक हम सभी का एक एस्पिरेशन है, और इस नए यूटी में हमारा कोशिश ये रहा है कि किसी को हमने भेदभाव नहीं करना है, और सबको हमने इक्वली जो है ऊपर लेके जाना है, लद्दाख को बनाना है, लद्दाख के सपनों को पूरा करना है, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं काम। इसलिए जो है इस बार भी देखा होगा, पिछले बार भी देखा होगा, हमने कोई रूलिंग ऑपोजिशन करके कोई ज़्यादा मेजर हमने डिफरेंसेस ऐसा काम नहीं किया है। जेन्युइनली जो अगर अपोजिशन के काउंसलर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है अगर लोग रहते हैं तो वो भी हमारे अपने लोग हैं, उनका भी काम हमें करना है। तो जो भी काम आया है, चाहे वो रूलिंग का भी हो चाहे अपोजिशन का भी हो, हमने सब जेन्युइन काम को कंसिडर करके दिया है। अपोजिशन के भी आपने अच्छे खासे काम देखे होंगे, हमने काउंसिल में कोई भेदभाव करके नहीं किया है, रखा है लोगों का एस्पिरेशंस पूरा करने के लिए। तो एक इंक्लूसिव बजट का एक प्लान हमने देने का कोशिश किया है। तो मैं शायद मुझे मैं यही समझता हूँ कि उसमें हम
सक्सेस हुए हैं, सभी जगहों से अप्रिसिएशन मिला है और आने वाले दिनों में जो है इनके ऊपर अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन हो, इस तरह का भी जो है हमारा प्रयास है। सर, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जो काम चल रहे हैं या प्रोजेक्ट्स पे प्लानिंग, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या काउंसलर्स को बताया जाता है या उनके देख रेख में ये सारा काम होता है? क्योंकि कुछ ऐसे रूमर्स भी हैं जहाँ काउंसलर्स जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पूछा नहीं जाता, उनका कंसेंट वहाँ नहीं होता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है जी। देखिए, ये तो एक ऐसे ही अनरीजनेबल अनवेरीफाइड एलिगेशन इस तरह के आते रहते हैं। हमारा प्रयास है, आप अगर हमारा बजट भी देखेगा, पिछले साल का भी देखेगा, इंक्लूसिव बजट रहा है। और कल भी आपने देखा होगा जो ऑनरेबल काउंसलर्स कुछ जो है मीडिया के सामने बातें कर रहे थे कि उनके वहाँ पे भी इतने सारे स्कीम्स को एकोमोडेट किया गया है, तो वो तो हमने ही एकोमोडेट किया ना। अगर पैसे दिया है तो हमने दिया है ना जी। काउंसिल तो अभी हमारा है, काउंसिल हम चला रहे हैं, मैं उस काउंसिल का चेयरमैन हूँ, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, असली एक्चुअल प्लान फॉर्मुलेशन हम करते हैं, पैसे तो हम बांट के देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ हम पैसे देते हैं, हम उस काम के मॉनिटर भी करते हैं, हर क्वार्टरली हम उसके ऊपर रिव्यू करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के साथ बार बार रिव्यू मीटिंग चलते रहता है, और कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स भी जो है उन कामों का रिव्यू करते रहते हैं। और बाकी ये है कि काउंसलर साहब को जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि जनरली जो है कुछ लोगों को उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो काम को लेके हमारे पास नहीं आता है, कंप्लेंट लेके नहीं आता है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। जो भी आते हैं हम उनके इश्यूज़ को हम रिजोल्व करके देते हैं। और अच्छा खासा काम आपने भी ये दो दिन के हाउस में देखा है कि हर जगह पे काम चल रहा है, हर जगह पे खर्चा हो रहा है। इस बार का हमारा, अगर हमारा बजट का जो खर्चे का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो हमारा 98% खर्चा हुआ है जी। 98% खर्चा हुआ है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट हर मतलब पैसे हमने बजट में खर्चा किया है, काम किया है, और वो पैसे तो सब जगह पर दिया है ना हमने, तो सब जगह पर खर्चा हो रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह के जो है एलिगेशन को तो मैं नहीं मानता हूँ। हमारा ये है कि पूरे लद्दाख जो है, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से बने, और कोई भी लद्दाखी के साथ जो है, कोई भी ले वासियों के साथ जो है भेदभाव ना हो, और एक इक्वलिटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लोगों को हम आगे ला के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जी। वेबकोर्स और NHDCL से अभी जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया, कंप्लेंट्स ये आए कि बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा है उनके तरफ से, तो आने वाले दिनों में क्या सर उनको फिर से प्रोजेक्ट दिया जाएगा या बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, NHIDCL के साथ तो देखिए हमारा इस तरह का उतना सीरियस और सीवियर कंप्लेंट नहीं है। NHDCL का ये है कि कुछ काम्स उन्होंने जो है पिछले साल सरेंडर करके हमारे ही एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को वापस दे दिया, जो उन्होंने नहीं किया है। चलो, उन्होंने जो भी है अपने गलतियों को स्वीकारा और काम वापस सौंपा। अभी आज के जो हाउस में देखा है हमने, उनको कुछ प्रेजेंटेशन जो वो दे रहे थे वो प्रेजेंटेबल नहीं है, और लोगों को एक आम लेमैन को समझ में आए इस तरह का भी जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो इसलिए जो है हमने उनको कहा कि सरल प्रेजेंटेशन हो, लोगों को पता लगे आप क्या काम करने वाले हैं, क्या प्रपोज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने उनको कहा कि आप अगले बार जब आएंगे तो वो आप बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे और हमारे लोगों को अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे। रही बात वेबकोर्स की है जी, वेबकोर्स का जो है बहुत पुराना कंप्लेंट है। वेबकोर्स ने जो है, वेबकोर्स के बहुत सारे कंप्लेंट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे रिटर्न कंप्लेंट्स आए हैं। पिछले बार भी जो है हमने हाउस में जो है एक निर्णय लिया था कि वेबकोर्स के ऊपर सख्त एक्शन किया जाए, उसको काम दे, हम मना नहीं करते, लेकिन वो अकाउंटेबल तो रहे, वो है ना जी, सारा जो काम कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट तो रहे। तो इस बार हमने ये कहा है कि भाई वेबकोर्स को जो अभी भी जो है हालात वेबकोर्स का वैसा है, आज हमने रिव्यू किया, वेबकोर्स का कोई प्रोग्रेस है नहीं। तो लोगों के एस्पिरेशंस का, लोगों के जेन्यून काम, आप कहीं पर इरीगेशन कूल्स बना रहे हैं, कहीं पर आपका हेल्थ सेंटर बन रहा है, कहीं पर कम्युनिटी हॉल बन रहा है, ये तो लोगों के डायरेक्ट एस्पिरेशंस वाले काम है ना। और ये काम तो SDP में जो है हमारे काउंसलर साहब से ले जाके वहाँ पे रखने के लिए कहा,
और वो स्कीम्स हमने कहीं और नहीं रखा। अब जब हमें प्रॉमिस किया गया था कि एसडीपी में ये सारे काम बनाएंगे, तो वो सारे काम जो है हमने अपने स्कीम्स में नहीं लिया, तो नहीं लिया। उसके बाद ये सारा काम जो है वेबकोस को दे दिया। अब वेबकोस इसके ऊपर कोई काम कर ही नहीं रहा है। और हमारा तो यही कहना है कि इतना मजबूरी क्या है जब वेबकोस काम नहीं कर रहा है। पिछले बार भी जो है हमने कंप्लेन किया था कि वेबकोस कोई काम नहीं कर रहा है, इतने सारे काम है लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। लोग जमीन पे सफ़र कर रहे हैं, गांवों में जो है पब्लिक आउटक्राई है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इसलिए जो है अगर इस तरह के एजेंसीज को बार बार जो है जो काम नहीं करता है, परफॉर्मेंस नहीं करता है देता है, डिलीवरी नहीं दे पाता है और काम को डिले कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा तो क्लियर कट मानना है वेबकोस को जो है बिल्कुल डीबार्ड करना चाहिए लद्दाख से। उनको कोई काम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, कोई काम करता नहीं है, उनका पहले भी बहुत सारे शिकायत है। तो इस बार जो है हाउस में सभी ने जो है रेजोल्यूशन पास किया कि वेबकोस को जो है डीबार्ड करना चाहिए, लद्दाख में उनको कोई काम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और मैं माननीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एलजी साहब का क्लियर कट थॉट है जी, करप्शन फ्री और डिले फ्री। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब को कि देखिए डिले तो इसमें क्लियर कट है, इसमें कोई शक नहीं है जी, डिले हो रहा है। पिछले दो साल से जो है वेबकोस को जितने भी काम दिया है वो सब डिले हो रहा है, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं इस तरह से रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब का। रही बात है करप्शन की बात, मैं उसमें तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें कोई करप्शन हुआ है, बट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वेबकोस को अगर काम दिया है, इतने सालों से दिया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो इसमें क्या मजबूरी है, क्यों इनसे जो है काम वापस नहीं लिया जा रहा है। लोग ज़मीनी तौर पे सफ़र कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जांच होना चाहिए। और इस हमारे जो जनरल काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक के एस्पिरेशंस के हिसाब से जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया है, कॉल किया है। अगर इनके ऊपर काम नहीं होता है तो फिर मजबूरी में जो है पब्लिक को बाद में सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है क्लियर कट जो है एक डायरेक्शन पास हो और वेबकोस को डिबार्ट हो, और एक लेसन मिलना चाहिए कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐसे कोई भी एजेंसीज जो है लद्दाख के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। काम बिजनेस मीन्स बिजनेस, यहाँ पे काम के लिए आना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो उसी सोच के साथ लोगों को यहाँ पे आने के लिए जो है एक लेसन के तौर पर जो है वेबकोस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर आखिर में एक और सवाल, CPWD का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हर जगह पर उनका काम चल रहा है, तो हाउस में ये भी सवाल उठे कि जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो लद्दाख के आर्किटेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कुछ बना लेते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर वहाँ तोड़फोड़ ज़्यादा होती है सर, तो इसको चेक एंड बैलेंस किस तरह देखरेख में कैसे हो रहा है आपकी देखरेख में, और इसको एक ट्रेडिशनल लुक देना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए ये आपकी बात वैलिड मैं समझता हूँ पॉइंट है आपके उसमें, और इस तरह के इश्यूज भी जो हाउस में रेस हुआ है वो भी जेन्यून और रीजनेबल है। कोई भी काम जब यहाँ पे करते हैं, बार बार करते हैं, हम लोग कहते हैं, हमारे एलजी साहब भी कहते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कहते हैं कि भाई जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो वो यहाँ लोकली हो, जो लोकल आर्किटेक्ट को ध्यान में रख के, लोकल के एस्पिरेशन को ध्यान में रख के, जो है लोकल के कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रख के करना चाहिए करके वो अक्सर हम कहते रहते हैं। तो कभी कभी जो है क्या है कि ये कुछ काम जो है हैश में करते हैं, जहाँ पे जो है वो भूल जाते हैं कि लोकल एस्पिरेशंस क्या है, लोकल आर्किटेक्ट के साथ मैं कैसे वो एफर्ट नहीं लगाते हैं। बेसिकली कोई भी जो है कंसल्टेंट वो इंगेज कर लेते हैं, वो जब कंसल्टेंट इंगेज करते हैं तो बहुत सारे जो है लोकल कल्चर के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं, तो वो अपने मन मर्जी के हिसाब से वो कर लेते हैं और वो थोड़ा तकलीफ़ भी नहीं उठाते हैं कि मैं किसी से पूछ लूँ। तो इसलिए हमने बार बार उनको रिक्वेस्ट किया कि ये मत कीजिए, फिर उसमें आप ही का ही नुकसान है। आप एक बार बनाते हैं, फिर एक बार तोड़ते हैं, फिर उसके साथ साथ ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये देखो आपको अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, ये एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक एक्सचेकर का जो है नुकसान हो रहा है। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, आपका अभी सभी सेंसिबल हो गया है। हमने कहा कि जो भी कुछ आप डिज़ाइन करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका एक रिसर्च भी होना चाहिए, सिर्फ आर्किटेक्चर ड्राइंग करने से कुछ नहीं होता है, आपका हिस्ट्री में जाना चाहिए, आपको पूरा इन डिटेल आपके पास इन डेप्थ स्टडी होके उस हिसाब से उसके यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से रिसर्च करके जो है इस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो
अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। अभी फ़िलहाल इस तरह के कोई शिकायत अभी हमारे सामने नहीं आया है, तो बाकी अगर इस तरह के कोई फिर कभी इशू आता है तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। बाकी हमारे हिसाब से जो है क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो वो लोकल टच उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मंत्रा है लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, वो भी ध्यान में रख के करना चाहिए। और जितने भी जो है सरकारी बिल्डिंग्स बन रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उनके ऊपर जो है वो सोलर पावर प्लांट हो, मतलब बिल्डिंग ही जो है एक सेल्फ सफिशिएंट और सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर बनना चाहिए। इस तरह का जो है हमने जो है काउंसिल के तरफ से निर्णय लिया है।